अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, उससे मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड ऑमलेट। मुझे पता है कि आप लोग बोलेंगे कि ऑमलेट बनाना किसको नहीं आता, ऑमलेट बनाना हर किसी को आता है, बस इसमें ब्रेड को अच्छे से कैसे सेट किया जाए उसकी टेक्निक रहती है ताकि ये देखने में थोड़ा अच्छा लगे। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज इस ब्रेड ऑमलेट की रेसिपी को शुरू करते हैं। ब्रेड ऑमलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग बोल लिया है। इसमें हम पहले अंडे को फोड़ के डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे एक ब्रेड ऑमलेट बनाने के लिए दो अंडा यूज़ कर रही हूँ। तो पहले अंडा इसमें डाल दें, इसके बाद हम इसे ऐसे फोक से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें सब्जियाँ डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा प्याज लिया है, तो दो बड़े चम्मच प्याज, टमाटर, थोड़ा सा हम इसमें शिमला मिर्च यूज़ करेंगे, ये ऑप्शनल है, हरी मिर्च डाल दें जितना आप तीखा खाते हैं, थोड़ा सा धनिया पत्ता, मैं यहाँ पे धनिया पत्ता थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च कलर के लिए यूज़ करेंगे, काली मिर्च का पाउडर डाल दें, ये भी ऑप्शनल है, नमक डाल दें स्वाद के अनुसार। इसके बाद इस सबको हम अच्छे से मिला देंगे। सब्जियाँ और मसाले इसमें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है, अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस ऑन करके मैंने एक तवा रखा है, तवा के गर्म होते ही तेल डाल दें, ज़्यादा तेल ना यूज़ करें, स्प्रेड कर दें। तेल की जगह आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसे थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे। जैसे ही तवा गर्म हो जाएगा इस मिक्सचर को एक बार मिला दें और उसके बाद तवे के सेंटर में डाल दें। इसे हम 10 से 12 सेकंड के लिए थोड़ा सा सेट हो जाने देंगे। यहाँ पे मैं ऑमलेट बनाना नहीं सिखा रही हूँ, बस ब्रेड को ऐसे सेंटर में कैसे फिट किया जाए। तो ब्रेड को रखा मैंने, हल्का सा प्रेस करें और किनारों को ऐसे फोल्ड करें। तो अगर आपका ऑमलेट ज़्यादा पक जाएगा तो भी ये फोल्ड नहीं होगा, अगर आपका अंडा जो है वो कच्चा रह जाएगा तो भी फोल्ड नहीं होगा। तो इस वजह से एक टाइम होता है जहाँ पे किनारे से ऑमलेट जो है वो पक जाता है और सेंटर में ऐसे उसके लिक्विड दिखते हैं, तभी फोल्ड करें इसको। तो यहाँ पे ये देखिए, गैस का फ्लेम कम रखें ताकि ये जले नहीं। और लास्ट में ये चौथा फोल्ड मैं ऐसे कर देती हूँ। ऑमलेट आप जितना बड़ा और पतला बनाएंगे वो उतने ही अच्छे से ब्रेड में सेट होगा। तो आप कोशिश करें कि अगर आपके पास बड़ा तवा है तो वो यूज़ करें। तो अब मैं इसे पलट के थोड़ा सा दूसरी साइड से पका लूँगी ताकि ब्रेड जो है वो थोड़ा सा टोस्ट हो जाए। बस यहाँ पे ये ब्रेड ऑमलेट बन गया है। गैस को बंद किया मैंने और इसे मैं निकाल लेती हूँ। तो ये हमारा ब्रेड ऑमलेट रेडी हो चुका है, आप इसे नाश्ते में सर्व करें। अगर आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।